इस वक्त धनबाद के बलियापुर प्रखंड अंतर्गत प्रधान खंटा में आप देख सकते हैं, वो प्रधान खंटा का केबिन है और ये हमारे पीछे जो है ये रेलवे लाइन है, ये मानव रहित रेलवे फाटक इसे कहा जाता है यहाँ के लोगों द्वारा। इसके पीछे करीब 7 से 8 हज़ार की आबादी वाली गांव है और ये मुख्य सड़क है इस गांव के लोगों के लिए, ये मुख्य सड़क है, इसी से लोगों का प्रतिदिन आना जाना होता है, चाहे वो पेशेंट हो, स्कूल के छात्र हो या ड्यूटी के लिए लोग जाते हो, इसी फाटक से होकर लोग गुजरते हैं। और इस बीच अगर किसी प्रकार की कोई मालगाड़ी या कोई भी किसी प्रकार की कोई मतलब रेलवे द्वारा गाड़ी आती है तो इन लोगों को यहाँ घंटों इंतज़ार करना पड़ता है रेलवे के इस पार जाने के लिए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक दिन भी लग जाते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है, हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि कब से ऐसी हालत है इसकी और कैसे लोग इधर इस रेलवे फाटक को पार करते हैं, क्या इन्हें डर नहीं लगता है? क्या क्या नाम है आपका? पुतुल जी, ये कौन सा गांव है? आप किस गांव में रहते हैं? छताकुली, पदनकुटा छताकुली। ये जो जिस जगह पे आप खड़े हैं, क्या यही रास्ता है आपका? हाँ, यही रास्ता है। तो मालगाड़ी जब आती है तो? आती है तो उस पर इंतजार करते हैं, खुलता है तो ठीक है, पार हो जाते हैं, नहीं तो घर घूम जाते हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जब कोई मरीज होता है, हाँ, तो इस पार लाने में काफी दिक्कत होती है। हाँ, काफी दिक्कत होती है, तो फिर इंतजार होता है, गाड़ी खुलता है तो जाते हैं, नहीं तो। इसको पार करने में डर नहीं लगता है? पार करने में डर लगता है तो क्या करेंगे, यही हम लोग का रास्ता ही है। तो कब से? जब से हम लोग आए हैं तब से तो हम लोग यही रास्ता में, मतलब आपसे जब से आप आए तब से यही, और आपके बाल बच्चे भी इसी रास्ते से पार। हाँ हाँ, काफी दुखद वाली बात है कि ये आए, ये तो खुद पार किए हैं जान जोखिम में डाल के, लेकिन इनके बच्चे भी इसी जानलेवा रेलवे फाटक से पार करते हैं। कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा। क्या नाम हुआ आपका? आशा देवी। आशा जी, ये आप किस गांव में रहते हैं? प्रधानगंडा छताकुली। ये जो जिस जो अभी आप फाटक पे खड़े हैं, क्या यही आप लोग का मुख्य सड़क है? जी हाँ सर, यही हम लोग का मुख्य सड़क है। क्या परेशानियाँ होती है? परेशानी बहुत होती है कि जैसे कि सुबह हो शाम हो, हर वक्त यहाँ गाड़ी लगी ही रहती है। हम लोग का आना जाना, जैसे बकरी जानवर वगैरह भी पार करने के लिए भी दिक्कत होता है। अभी कि देखिए खेती का सीजन है, हल उल लेके भी पार होना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे गाड़ी लगा हुआ रहता है, कभी कभी खेती भी नहीं हो पा रही सही ढंग से। हम लोग का कब से ऐसी हालत है? हम लोग तो जब से शादी होकर इस एरिया में है तब से यही हाल है। पहले क्या था वो तो हम लोग, आप तो हैं, आपके बच्चे भी इसी से पार करते हैं? हाँ, बच्चे भी इसी से पार करते हैं। आपको कभी ऐसा डर लगता है कि मतलब हमारे बच्चे उधर फाटक पार कर रहे होंगे तो कभी किसी प्रकार? बहुत ज्यादा डर लगता है हम लोग को, तो कभी कभार डर लगता है कि छोटा बच्चा कहीं आ ना जाए। देख देख के रखना पड़ता है कि बच्चा लाइन पे चढ़ेगा तो कोई भी मालगाड़ी आ जाएगा, किसी भी टाइम आ सकता है। कभी किसी प्रकार की घटना दुर्घटना घटी है क्या? ऐसे तो अभी बकरी उकरी का हुआ, जानवर सब का हुआ है, अभी बच्चा उच्चा का अभी डर नहीं। मांग करते हैं? मांग तो बहुत सारा हम लोग किए हैं, बहुत एप्लीकेशन भी डाले हुए हैं, लेकिन कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। शिलान्यास तो हुआ था? शिलान्यास हुआ है, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, काम अभी तक तो स्टार्ट नहीं हुआ है। काम स्टार्ट नहीं हुआ है। शिलान्यास किया गया है सर्वे के लिए धनबाद के सांसद पशुपति नाथ सिंह द्वारा 2019 में, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं जस की तस है। हमारे साथ यहाँ के मुखिया हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये कब से समस्या है और ये अभी तक क्या किए। सर, क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया बनर्जी। जी, ये जिस जगह पे आप फाटक पे खड़े हैं, ये कौन सा फाटक है, कौन सा क्षेत्र है? प्रधानगंडा छताकुली का फाटक है। कब से फाटक ये तो हम लोग 50-100 साल से ही रवैया देख रहे हैं इसका। क्या किया आपने? क्या किया? आप भी मुखिया हैं गांव के, तो क्या किया? हम लोग तो बहुत संसद से मिले, विधायक जी से मिले, राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन, DC साहब से, सब से मिले, खाली आश्वासन ही आश्वासन मिला, क्या चल होगा, कल चल होगा। यहाँ तक रेलवे के GM साहब से भी हम मिल चुके हैं 2019 में। इसका शिलान्यास मेरा माननीय सांसद साहब भूषण प्रताप जी, माननीय विधायक कृष्ण था फूलचंद मंडल जी, और रेलवे का DRM साहब भी उसमें था। तो क्या हुआ अभी? अभी तक कुछ नहीं, कुछ आश्वासन मिल रहा है कि चालू होगा, कुछ नहीं अभी तक। कुछ कई बार घटना भी हो चुका है इस रेलवे फाटक से। एक मल्लिकडी का मेरा बुजुर्ग महिला था, रेलवे के नीचे से पार से उसका टेंगरी कट गया था। तो क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं कि किसी तरह से बने, और अगर इतना करने के बाद हम लोग का नहीं बनेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे इसके लिए। अरे, रेलवे प्रशासन आंदोलन से बनेगा तो रेलवे का चक्का हमको आखिर में जाम करना ही पड़ेगा। आपको ऐसा लगता है कि ये जानलेवा फाटक हो गया है? बहुत खतरनाक फाटक, हमेशा कुछ न कुछ घटना होते रहता है, लेकिन बावजूद इसके किसी का ध्यान कोई कार्रवाई नहीं, राज्य प्रशासन न जिला प्रशासन न रेलवे अधिकारी, किसी के ऊपर कोई सुनवाई नहीं। तो मांग कर रहे हैं आपकी बनना चाहिए, किसी तरह से बने।
मुखिया जी का मांग है कि ये जो फाटक है ये किसी तरह से ये बने, नहीं तो ये आंदोलन का रुख अपनाएंगे, क्योंकि ये जानलेवा हो चुका है। कई बार लोगों का हादसे का शिकार हुए हैं, पैर कट गया है, जानवर तो आए दिन कटते रहते हैं। हमारे साथ एक और भी स्थानीय है, मैं उनसे जानना चाहूँगा, ये आंदोलन में भी शामिल थे शायद। सर क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। जितेंद्र जी, ये कौन सा गाँव है और ये फाटक कौन सा है? ये फाटक प्रधान खंडा पंचायत के छाताखुली गांव है, जहां मानव रहित फाटक है। और यहां मानव रहित फाटक है और इस ये हम लोग का मुख्य मार्ग है, जो कि हम लोग को शहर गांव जोड़ता है। ये इसके मतलब जब से हम देख रहे हैं, मेरा अभी डेट ऑफ बर्थ हो गया समथिंग 28 to 30, तब से हम ये प्रॉब्लम झेल रहे हैं। कभी कभी तो जैसे हम PG सेकेंड सेमेस्टर में थे तो मेरा एग्ज़ाम भी छूट गई थी, बाइक से नहीं जा पाए थे। और एक घटना, मेरे चाचा जी जो थे वो हार्ट अटैक के दौरान, हम लोग एम्बुलेंस लेके जा रहे थे, उस पार में ठहर गया और उपेंद्र महतो नाम था, वो एक्सपायर कर गए। और कल का ही एक बात बता रहे हैं, कल यानी कल कितना था, 19/7/2021 का बात बता रहे हैं। कल भी 21 तो कल ही यहाँ पे सुधीर महतो नाम के, उनका भी हार्ट अटैक हुआ था, तो गाड़ी ले जाते वक्त उनका निधन हो गया। और इस तरह का कई जो मवेशी तो अनगिनत कट चुके हैं। और एक हम लोग का महिला बुजुर्ग थे मलिक डी नाम का, जो अन्य गांव को जोड़ती है, वो नीचे से क्रॉस कर रही थी तो उनका पैर भी कट गई थी। और इस तरह का अनेकों घटना है। और हम लोग कई बार आंदोलन किए हुए हैं, सांसद के पास तो 4 से 5 बार गए, लेकिन कान पे जू नहीं रेंगा है। और जब DC के पास जाते हैं तो आश्वासन देते, हाँ काम तो हो रहा है, लेकिन आप जमीनी स्तर पर देख सकते हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है। शिलान्यास कब हुआ था? शिलान्यास 2019 को हुई है। तो उसमें अभी तक क्या हुआ? उसमें सिर्फ शिलान्यास ही हो गया है, मतलब बॉडी दिख रहा है, बस बॉडी दिख रहा है। और वे लोग चमक के ले गए हैं, जैसे मीडिया वाला आए, अच्छा अच्छा पोस्टर बना, बस यहीं तक सीमित था। कितने की आबादी होगी इस पार? 8 से 10 हज़ार, और अन्य गाँवों को जोड़ा जाए तो काउंटलेस है, गिन नहीं पाइएगा। क्या मांग कर रहे हैं चैनल सर? मांग तो हम इतना ही करते कि सर्वे बन जाए, किसी भी तरह से सर्वे बन जाए। और ये बन जाने से सभी को हार्दिक दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। यहाँ के जो स्थानीय थे, इन सभी लोगों का एक ही कहना है कि किसी प्रकार जिला प्रशासन हो, राज्य सरकार हो या रेलवे के अधिकारी हो, वो सर्वे बना दे, ताकि यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्हें आए दिन की जो समस्या है उससे निजात मिल सके, जो घटना होती है उससे छुटकारा मिल सके। धनबाद से लगातार न्यूज के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।